अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अगर हम अपनी फेसबुक की पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्री टूल है जिसका नाम है कैनवा। तो पहले आप canva.com पे जाएंगे, ठीक है ना, और canva canva.com, और यहाँ आप साइन अप पे जाके अपने फेसबुक से या अपने ईमेल से इस पे साइन अप कर लेंगे, ठीक है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो फिर ऐसी विंडोज़ आपके पास आ जाएगी। अच्छा जनाब, अब इस विंडोज में आप क्रिएट अ डिजाइन पे जाएंगे, ये आपसे पूछ लेगा नीचे आपको क्या डिजाइन करना है। तो ये साइजिंग खुद कर लेगा कि इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट होगी, ब्रोशर कैसे होगा, लोगो डिजाइन करना है, इन्फोग्राफिक जिसमें टेक्स्ट के साथ कुछ जो है ना डाटा के साथ कुछ पिक्चर्स होती हैं, फेसबुक की कवर फोटो है, सही ना, यूट्यूब की वीडियो का आर्ट है, जो भी चीज़ है ये उसकी साइजिंग खुद कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जब हम एड्स लगाते हैं हमें ज़्यादातर इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी चाहिए क्योंकि इंस्टा की पोस्ट फेसबुक पे चली जाती है, लेकिन फेसबुक वाली पोस्ट इंस्टा पे रीसाइज होकर इतनी आती नहीं। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए, टेम्पलेट से मुराद के सैम्पल साइज डिज़ाइंस बने हुए, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं लगा सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंप्यूटर कोर्सेज करवाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर कोर्स, तो ये उसकी दे देगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गोश्त की दुकान है तो मैं मीट शॉप लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो भी जो है ना वो इसमें ऐड करना चाहूँगा तो उससे रिलेटेड मुझे इसमें मिल जाएंगे। स्कूल का है तो मैं स्कूल लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे पहली बात, और जनरल भी टेम्पलेट्स मिल सकते हैं, जनरल टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें से लेट सपोज मुझे जो है ना वो ये टेम्पलेट पसंद आ रही है तो ये मैंने यहाँ पर ले ली। अब मैं चाहूँ उसका टेक्स्ट वगैरह जो भी मैं लिखना चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और चाहूँ तो इनको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से मैं फिर कोई फ़ोटो सर्च करके भी ऐड कर सकता हूँ, और अगर मैं कोई फ़ोटो लेकर आना चाहता हूँ यहाँ पे तो उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं यहाँ पे जो है ना वो अपने कंप्यूटर से कोई भी तस्वीर है ना वो पकड़ के सीधा वहाँ पे ले ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जो है ना वो अल्लाह आपका ये तस्वीर मैं उधर ले जाना चाहता हूँ तो मैं इस तस्वीर को उठाकर कैनवा पे ला सकता हूँ, ठीक है। ये तस्वीर इधर आ गई। अब मैं इस तस्वीर को जिधर चाहे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी पुरानी तस्वीर है जो मैंने पहले अपलोड की है। अच्छा, एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो लोगो सही ना या मुख्तलिफ चीज़ों के जो आर्ट वर्क होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। ये छोटे छोटे PNG तस्वीरें आ जाएंगी जिनको मैं मूव कर सकता हूँ, या कोई भी एलिमेंट इनको भी मैं सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ गिटार, ठीक है ना। अब ये गिटार आ गया। अब ये इसमें कुछ फ्री होंगे कुछ पेड होंगे, जिस पे ये क्राउन बना हुआ है वो पेड है वरना फ्री है। अब जैसे ये आ गया, अब ये मैं इसको कहीं भी मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, ये टेक्स्ट के स्टाइल ना थे ना, जो भी स्टाइल मैं चूज़ करूँ, सपोज मैं ये स्टाइल चूज़ करता हूँ तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर कोई म्यूज़िक मैं ऐड करना चाहूँ, मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ वीडियो ऐड करने चाहें, बैकग्राउंड्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तस्वीर यहाँ से भी अपलोड हो सकती है और जैसे मैंने वहाँ से बनवाई थी वो भी अपलोड हो सकती है। ठीक है, और चार्ट्स वगैरह के अगर हम या चार्ट्स के साइन दिखाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो फिर अगर हम दोबारा होम पर जाते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं कोई भी डिज़ाइन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च करना चाहता हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं कोई पोस्ट बन या ईद से रिलेटेड मैं कोई पोस्ट बनाना चाहता हूँ, चूँकि ये हमें बहुत सारे पोस्टर दे देगा। अब ये कोई भी पोस्टर है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, इधर फिर एक फोल्डर बना हुआ जाएगा योर डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन है जो मैंने कैनवा पे बनाए, ठीक है ना। अब इनमें से जो भी डिज़ाइन है, इसमें उर्दू लैंग्वेज भी हो सकती है और इसी की ऐप भी है, वो ऐप आप अपने मोबाइल पर डाल के सारा काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है।
अच्छा, अब अगर इसमें फर्ज करें कि कोई तस्वीर है और वो मुझे लेनी है, फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर है, अब ये सवाल पैदा होता है तस्वीर बन के मेरे पास कैसे आएगी, तो मैं पहले से ऑन करूँगा और यहाँ टॉप पे से ये डाउनलोड का बटन, तो PDF में डाउनलोड मत कीजिएगा क्योंकि वो तस्वीर नहीं होगी, JPEG या PNG में हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे JPEG में डाउनलोड करना चाहता हूँ। ये तस्वीर मेरे पास डाउनलोड हो गई और अब मैं इसे फेसबुक पे कहीं पर भी जो है ना पोस्ट कर सकता हूँ। तो ये तस्वीर मेरे पास आ गई, ठीक है ना, और अब मैं इसे कहीं पर भी जो है चाहूँ पोस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे डाउनलोड्स में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इनकी तस्वीर मैंने डाउनलोड की थी फेसबुक से और फिर मैं लेके गया था, और ऐसे ही जितने भी डिज़ाइंस बने हुए ये सारे डिज़ाइंस मैं वहीं से लेकर गया। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन ये कैनवा सबसे आसान है। जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कुछ भी नहीं पता वो भी कैनवा को बहुत आराम से जो है ना वो यूज़ कर सकता है। तो अब आप इसके ज़रिए अपने एड्स भी बना सकते हैं और इसमें वीडियोस के भी ऑप्शन, लेकिन वो उमूमन पेड वर्जन पे चला जाता है, लेकिन एक आध शायद आपको इसमें फ्री वीडियो भी मिल जाए, जैसे कि ये वीडियो है, ठीक है ना। आप ये मैं न्यू डिज़ाइन बनाने के लिए अगर कोई वीडियो यूज़ करना चाहता हूँ, कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उम्मीद है इस कोर्स से फ़ायदा हुआ हो आपको। जो भी सवाल हो वो मुझसे ज़रूर आप जो है ना वो पूछ सकते हैं।